नमस्कार, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बारे में, जहां समाजवादी पार्टी के मुख्य और सांसद अखिलेश यादव ने कुछ बड़े बयान दिए हैं। अखिलेश यादव ने इस बात को साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विपक्ष में एकजुट है और उन्होंने कहा कि हम किसी को कोई लाभ नहीं दे सकते, यह हमारी रणनीति का हिस्सा है, हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं। उनका ये कहना था कि सिर्फ हाल ही के उपचुनाव के लिए नहीं, बल्कि हम भारत गठबंधन को मजबूत करेंगे और 2027 में भी बीजेपी को हराने का काम करेंगे। बात करें महाराष्ट्र चुनाव की तो अखिलेश यादव ने कहा कि वहां बीजेपी हारने वाली है। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी का गठबंधन कमजोर हो रहा है और वे महामहा हार की ओर बढ़ रहे हैं। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे पर अखिलेश ने तंज भी कसा है। कहा कि जब बीजेपी के पास बेरोजगारी, महंगाई, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अग्निवीर, आरक्षण और संविधान पर कोई ठोस जवाब नहीं है तो ऐसे नारों का जन्म उनकी रिसर्च लैब में होता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता लगाना होगा कि उनकी लैब कहाँ है, क्योंकि यही उनकी रणनीति का केंद्र है। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाली हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में घोषणा की है कि इन सभी 9 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। ये ऐलान बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। वहीं अखिलेश यादव के इस ऐलान के क्या मायने हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आशंका जताई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने मन मुताबिक सीटें ना मिलने के कारण उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी हारी हुई सीटों पर दाव नहीं लगाना चाहती थी। अखिलेश यादव ने गाजियाबाद और खैर की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, जिनमें जीतना मुश्किल माना जा रहा था, क्योंकि भाजपा पिछले कई चुनावों से इन दोनों सीटों पर जीतती आ रही है। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसमें मेनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अम्बेडकर की कठहरी, मिर्जापुर की मांझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीटें शामिल थी। लेकिन अभी केवल 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है और मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान अभी होना बाकी है। इस तरह के बयान और रणनीतियां उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को भी और रोचक बनाती है। हमें देखना होगा कि उपचुनाव में गठबंधन की ये एकजुटता कितनी सफल होती है। हम इस मामले पर लगातार नजर रखेंगे और आपको सभी अपडेट देंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।